दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। चर्चा करते हैं बिहार के चुनाव की। लोकसभा 2024 का चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया, सब लोगों ने अपनी अपनी ताकत को दिखलाया, लेकिन हम बात करेंगे उस माई समीकरण की। शुरुआती दौर में जब भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुनाव लड़ते थे, लालू प्रसाद जी हो या तेजस्वी जी हो, इन लोगों का नारा था माई समीकरण। बाद में वो ए टू जेड की पार्टी बन गई। ए टू जेड की पार्टी बनने के बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और बेहतर प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन करके उन्होंने डिप्टी सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। सरकार चलती है, चलने के बाद जब 2024 का चुनाव आया तो नीतीश कुमार एनडीए के पार्ट बन जाते हैं और बिहार में वो सीएम होते हैं और दो दो डिप्टी सीएम के द्वारा काम चलता है। लेकिन चर्चा अगर होगी तो वो चर्चा होगी तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव उन सीटों पर चुनाव हारे हैं जिन सीटों पर यादव बहुल इलाका है। सारण की सीट की चर्चा किया जाए तो वो सारण सीट जहां पर रोहिणी आचार्य जी लग रही थी, काफी हॉट सीट थी, क्योंकि जब उन्होंने अपने पिताजी को किडनी डोनेट किया था उसी टाइम से चर्चे में थी और वहां से उनका चुनाव हारना कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा सदमा है। क्योंकि अगर बात किया जाए मधेपुरा की तो मधेपुरा सीट भी वो लोग हार गए हैं। बांका सीट को भी उन लोगों ने लॉस किया है। यानी कि माई समीकरण और ए टू जेड जो पार्टी थी इनकी, वहां पर कहां कमी रह गई है। चार सीट उन्होंने जीता है, लेकिन चार सीट की चर्चा किया जाए तो उस चार सीटों में दो सीट में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। चूंकि जहां पर बक्सर में सुधाकर सिंह की जो जीत हुई है वो जीत नहीं कहेंगे, इसलिए कि वहां पर कांटे की टक्कर थी। बेलागंज के विधायक थे पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव, वो भी जहानाबाद में जो चुनाव जीते हैं उनकी भी लड़ाई आसान नहीं थी। अब इस पर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मंथन करना होगा, क्योंकि कांग्रेस को जितनी सीटें दी गई थी उस हिसाब से उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। उसने तीन सीट निकाला और पूर्णिया की सीट उन्हीं के नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे पप्पू यादव, उन्होंने जीत लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को यह लग रहा था कि चुनाव लड़ने के वक्त में बार बार पप्पू यादव ने रिक्वेस्ट किया, कहा, वो मंच से गिड़गिड़ाए भी। उनका कहना था कि मुझे कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कराया है जन अधिकार पार्टी का, इसलिए पूर्णिया की सीट कांग्रेस को दी जाए। चिल्लाते रहे, डकरते रहे, लेकिन उन्होंने कड़ा स्टेप लिया, वो निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्होंने कहा कि पूर्णिया में मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन पूर्णिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। और पूर्णिया के लोगों ने पप्पू यादव को आशीर्वाद दिया, जीत का माला पहनाया। वहीं बात करने अगर कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार भी बेगूसराय से गिरिराज सिंह को पटखनी देने में कामयाब इस बार हो जाते। लेकिन लालू यादव और उनके बेटे की रणनीति के तहत कन्हैया कुमार को दिल्ली जाना पड़ा। वहां राहुल गांधी ने उन्हें मनोज तिवारी के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। वहां से कन्हैया कुमार चुनाव हार गए, लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ रही थी
बिहार की जनता चाह रही थी, जो सेकुलर लोग थे इंडिया गठबंधन के, वो चाह रहे थे कि पप्पू यादव को कांग्रेस टिकट दे और कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस टिकट बेगूसराय से दे, उसकी टीस नजर आ रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव की हार हुई है, तेजस्वी यादव को इस पर मंथन करना पड़ेगा। मुसलमानों ने जमकर वोट किया और जमकर वोट करने के बाद इसी काराकाट ने माले को 1,00,000 मतों से जिताया। वहां पर इंडिया गठबंधन काफी अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन जहां पर यादव समाज के लोग हैं उस सीट पर यादव समाज की बेटी का हार जाना, यादव समाज के नेताओं का हार जाना चिंता का विषय है, क्योंकि यहां पर लड़ाई अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड से जो नेता चुनाव लड़े थे मधेपुरा में, उनकी जीत हुई वो यादव समाज से थी। उसी तरीके से अगर बांका की बात करें तो बांका में भी वही स्थिति थी। ये मंथन करने की जरूरत है लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी यादव जी को कि आखिर हमारे हार का कारण क्या है। हम चुनाव तो लड़े, जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा उसके हिसाब से वो बिल्कुल फ्लॉप हुए और उनकी रणनीति कामयाब नहीं हुई। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।